वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर चैनल एसेप इंग्लिश बाय आरएन। मैं रेखा नामदेव कई वीडियो में बेसिक ग्रामर की तैयारी करवा रही हूँ, परंतु अब आपके लिए एमपीटीटी शिक्षक वर्ग 3 का इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। आपको पता है कि इंग्लिश 30 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 15 नंबर के दो अनसीन पैसेज आएंगे, जिनमें से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित सारे क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझते हैं कि उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे आपके अनसीन पैसेज से ही पूछे जाएंगे। तो इनकी तैयारी तो मैं करवा रही हूँ, ऑलरेडी करवा रही हूँ, ग्रामर की पूरी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, तो आप हमारे लास्ट वीडियोज को देख लिया करिएगा। और यहाँ पे जो मैं आज लेके आई हूँ, आपका एमपीटीटी शिक्षक वर्ग 3 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश पेडागॉजी, जिसकी तैयारी आप करेंगे। मैं 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ और 15 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बुक्स से मैं सेलेक्ट करी हूँ जो कहीं ना कहीं आपको कई बार अपीयर होते हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इस पेपर की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे आप हमारे साथ, चलते हैं हम आगे। टाइम नविष्ट करते हुए क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, पॉज करके देख लेंगे। और सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि वो आपसे डिमांड क्या करता है। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको भी वो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, इंग्लिश इंग्लिश इज द गिफ्ट ऑफ गॉडेस ऑफ सरस्वती इज द कोटेशन गिवन बाय। हिंदी समझेंगे आप कि इंग्लिश द गिफ्ट ऑफ गॉडेस ऑफ सरस्वती, यानी कि देवी सरस्वती, यह कोटेशन यानी इंग्लिश को देवी सरस्वती का गिफ्ट किसने कहा, इस कोटेशन को किसने कहा है। तो सबसे पहले आप चलेंगे इसको किसने कहा है, आपका पहला ऑप्शन है एमके गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, राजा जी और प्रोफेसर गोखले। तो ध्यान आपको देना होगा, इसमें थोड़ा सा माइंड में बैठाना होगा, इसको राजा जी ने कहा था। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर एथेंटिक मटेरियल्स इज, एथेंटिक मटेरियल्स किसका, इंग्लिश में ही देखेंगे तो एथेंटिक मटेरियल्स क्या होता है आपका, इंग्लिश रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर, न्यूज़पेपर या ऑल द अबव। इसमें ध्यान देना है आपको कि जो ऑथेंटिक मटेरियल्स इंग्लिश में होता है या किसी भी सब्जेक्ट में, वो न्यूज़पेपर ही होता है। इसका आंसर होगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, लेसन प्लान इज एन एग्जांपल फॉर, लेसन प्लान टीटी के लिए, शिक्षक के लिए लेसन प्लान बनाना जरूरी होता है, तो उसी लेसन प्लान की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो लेसन प्लान किसका उदाहरण है, देना है आपको। तो ये कैसा उदाहरण है, लॉन्ग टर्म प्लान है या मिड टर्म प्लान है या शॉर्ट टर्म प्लान है या हाफ ईयरली प्लान है। तो कहीं भी आप शिक्षक के बारे में जानकारी लेते होंगे तो लेसन प्लान प्रतिदिन बनाया जाता है, तो यह क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्लान होता है। ये प्रतिदिन जो बनाएंगे वो शॉर्ट टर्म प्लान होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, शॉर्ट टर्म प्लान। नेक्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फॉर्म, टीचिंग और लर्निंग, शिक्षकत यानी कि पढ़ाना और सिखाना या सीखना, इज अ जर्नी फॉर्म, किसका किसकी यात्रा होती है, कॉन्क्रीट टू अ ऑब्स्टेक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन, ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या होता है, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्टेक्ट भी होता है, यानी कॉन्क्रीट से ऑब्स्टेक्ट का भी होता है, यानी कि जानकारी से जो अपन जानकारी हो और ना भी जानते, दृश्य से अदृश्य, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञानता की ओर, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें से आपका तीनों हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा तीनों ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्री लेवल, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्री लेवल, यानी कि आपका जो है पर्पज, एलिमेंट्री लेवल का पर्पज क्या है, देखना है, डेवलपमेंट ऑफ मोटोर स्किल, फिर है
डिस्क्राइमिनेशन ऑफ द वर्ड्स, फिर है टेकिंग नोट्स एंड इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स है, यह आपके बॉडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बॉडी से रिलेटेड है। तो जो राइटिंग एलिमेंट्री लेवल का जो पर्पज होता है लिखने का, वो किससे होता है? आपके डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स यानी बॉडी से लिया गया है। इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग, यानी कि देखना और कहना, ये कौन सी पढ़ने की कौन सी मेथड है, कौन सा मेथड ये? तो द अल्फाबेटिकल मेथड, द फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड, द सेंटेंस मेथड। तो आपको हम समझा देते हैं कि जो लुक एंड से मेथड होता है, वह चित्र बना करके, चित्र बने होते हैं तो उनको देखा जाता है और देख करके बताया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि छोटे छोटे बच्चों को चित्र के द्वारा समझाया जाता है। जैसे चार गायें चर रही हैं और उन गायों को बना दिया गया और बच्चे को बता दिया गया कि यह देखो और बताओ, तो बच्चा बड़े आसानी से बता देता है कि यह गायें चर रही हैं, चित्र में है। तो लुक एंड से मेथड जो होती है, वह चित्र बनाकर समझाने का, तो यह कौन सा मेथड कहलाता है? ये वर्ड मेथड कहलाता है, ये वर्ड मेथड। इसका आंसर होगा वर्ड मेथड। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉल। तो आपका जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स है, यह किससे बिलोंगिंग है, यह दिखाया। एप्रोप्रिएट उसका मतलब अनुचित शब्द, अनुचित शब्द किस एरर को दर्शाता है, किस कैटेगरी को हमें यहाँ पे दर्शा रहा है। तो देखेंगे क्या स्पेलिंग एरर को दर्शाता है, या लेक्सिकल एरर को, या स्ट्रक्चरल एरर, या ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होता है, यह लेक्सिकल एरर को, यानी अनुचित जो है, लेक्सिकल भी उससे बिलोंगिंग है, उस एरर को दिखाता है। इसका आंसर होगा लेक्सिकल एरर। नेक्स्ट है, लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, व्हेन द गोल इज। इसके ऑप्शन देखेंगे, अटेनमेंट, ओकेशन, एक्यूस्टेशन, लर्निंग। ठीक, इसमें लैंग्वेज एरर जो होता है किसके कारण होता है, लैंग्वेज जो एरर होता है वह किसके कारण होता है, किसको करेक्ट करने के लिए होता है। वह एक चीज और ध्यान देंगे कि लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, जब हमारा लक्ष्य होता है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि शुड बी करेक्टेड, यह सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस के रूप में दिया गया है। साथ साथ ये भी देखते चलेंगे, ऐसे सेंटेंसेस भी आपको आ जाते हैं कि यह सेंटेंस किस रूप में, एक्टिव वॉइस के रूप में है या पैसिव वॉइस के रूप में है। तो इस सेंटेंस में आपको शुड बी करेक्टेड लगा हुआ है या पैसिव वॉइस के रूप में दिया गया है। तो आपको अब इसका आंसर देखना है कि लैंग्वेज एरर्स शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, हमारी जो लैंग्वेज एरर्स होती है उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जब हमारा लक्ष्य क्या हो, लर्निंग का हो, यानी कि सीखने का हो। हम कोई भी चीज जब सीखने का प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट डॉट डॉट देखेंगे, टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कॉन्सिस्टेंसली। जो टेस्ट होता है हमारा, कैन बी, यहाँ भी देखेंगे कैन बी स्कोर्ड, यह भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है। यह भी सेंटेंस आपको ध्यान देना है, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो इसमें अब आपको क्या, टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कॉन्सिस्टेंटली। जो टेस्ट हमारे, ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिनका आंसर हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, तो वह कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप, या प्रोडक्टिव, या सब्जेक्टिव, या प्राइमरी। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं का आंसर हमें क्विकली प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग का क्लासिकल मेथड कौन सा है? तो देखेंगे डायरेक्ट मेथड,
द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और बिलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो आप जानते हैं कि ग्रामर, ग्रामर इज द सोल ऑफ इंग्लिश। ग्रामर क्या होता है? इंग्लिश का सोल होता, आत्मा होती है। तो बिना ग्रामर के इंग्लिश नथिंग है। तो यहाँ पर जो विच इज द क्लासिकल मेथड, सबसे अच्छी मेथड जो यहाँ पे क्लासिकल मेथड हो रही है, वो कौन सी मेथड कहला रही है आपका? द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यदि हमको ट्रांसलेशन आ रहा है तो मेथड सरल हो जाता है। बट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा गया है। इसका आंसर होगा द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट है, अब एक कोटेशन फिर से आ गया, बैड राइटिंग इज साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन शेड बाय। यह सेंटेंस किसने कहा है कि बैड राइटिंग इज साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन, यानी कि गलत राइटिंग जिसकी होती है वह अपूर्ण एजुकेशन होती है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? एमके गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, या डीएस कोठारी। यह जो सेंटेंस कहा गया है, यह कथन है एमके गांधी का, यह एमके गांधी के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर होगा एमके गांधी। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, किसके, उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था, इसका परिचय किसने दिया था? तो इसका सबसे पहले परिचय मद्रास स्टेट, हैदराबाद स्टेट, बंगाल स्टेट, या दिल्ली। तो ध्यान देंगे, इसको सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोच का इंट्रोडक्शन किसने कराया था? मद्रास स्टेट ने। नेक्स्ट, Find out the word from the above text which means huge and splendid. अब एक क्वेश्चन आपको आ गया इंग्लिश से ही, अब इसमें क्या करना है? Find out the word from the above text which means huge and splendid. Huge माने क्या होता है? विशाल। Splendid माने होता है शानदार, यानी भव्य और विशाल। तो भव्य और विशाल, क्रेट्स नहीं होगा इसका जो आंसर होगा। क्रेट्स है एक, रोज है, ग्रांड है, और स्विंगिंग है। तो रोज, स्विंगिंग, क्रेट्स, आप देखेंगे कि इन सब का अर्थ कोई भव्य विशाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो रहा ग्रांड। ग्रांड यानी आप जानते हैं ग्रांड माँ, ग्रांड फादर, यानी कि हमारे पिता से भी बड़े होते हैं, इसलिए उनको ग्रांड कहलाता है। इसलिए इसमें आपका सेंटेंस जो जा रहा है यूज और स्प्लेंडेड को दिखाने के लिए, वह हो रहा आपका ग्रैंड। नेक्स्ट है, द वर्ब इंजॉयड कैन गिवन अस द नाउन। अब आपको इंजॉयड का, ये जो वर्ब दिया है इंजॉयड, इसका आपको नाउन बताना है। तो अब यहाँ इसके ऑप्शन में चलेंगे, इंजॉय, इंजॉयमेंट, इंजॉयबल, इंजॉयड। ध्यान आपको देना है कि इनमें से कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं, स्पष्ट रूप से यदि देखा जाए तो कोई भी नाउन नहीं। पर आपको ध्यान देना होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो पोजेशन से बनाए जाते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं? पोजेशन से, यानी कि कर्ता का संबंध किस क्रिया से, किस प्रकार से है, तो उसके संबंध के अनुसार, उसके पोजेशन के अनुसार ही नाउन बताया जाता है। तो यहाँ पे यदि इंजॉयड दिया हुआ है तो इंजॉय तो होगा नहीं। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट इसका होगा, इंजॉयड का इंजॉयमेंट नाउन होगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी। पर एक चीज हम समझाना चाहेंगे आपको कि जैसे पोजेशन से किस तरह से बनाया जाता है, जैसे आपने लिखा ब्यूटी और ब्यूटीफुल, तो आप यदि दिखाएंगे कि ब्यूटी जो है तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ब्यूटीफुल जो हो गया वहां पे आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये नाउन कैसे बन जाएंगे? जैसे कोई कहता सी इज ब्यूटी, सी इज ब्यूटी, तो वहां पे ब्यूटी जो हो रहा है नाउन बन गया, क्योंकि सी के साथ में लग रहा है। और यहाँ पे यदि हमने कहा आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे पोजेशन आए के साथ में जो पोजेशन ब्यूटीफुल में लग रहा है, वहां पे ब्यूटीफुल जो है बन जाएगा आपका नाउन, वहां पे एडजेक्टिव नहीं होगा, वहां पे एडजेक्टिव नहीं होगा। इसी प्रकार से सेंटेंस में भी द वर्ब इंजॉयड कैन गिव अस द नाउन में इंजॉयड का
इंजॉयड का जो नाउन है वह इंजॉयमेंट होगा। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग कॉन्टेंस द सेम वॉवेल साउंड। बहुत इजी है, यानी कि एक प्रकार से आपको राइमिंग वर्ड्स जैसे दिया जाता है, शब्दों का हेर फेर है। तो विच इज द फॉलोइंग कॉन्टेंस द सेम वॉवेल साउंड, जिसकी साउंड यानी कि कहने का तरीका एक समान हो। तो हुक ब्रुक लक एक समान नहीं है, मैट कैट बैट, लीक ब्रेक और सीक विन सिंस सी। इसमें से ध्यान देंगे कि आपको एक समान ध्वनि जिनसे निकल रही है वो बी नंबर है, मैट कैट बैट। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड बिलिंगुअल मेथड। बिलिंगुअल मेथड जो होता है न्यू मेथड कहलाता है। बिलिंगुअल मेथड क्या है? न्यू मेथड है। तो इस न्यू मेथड का डेवलप किसने किया, इसका विकास किसने किया है? डॉक्टर वेस्ट ने, या प्रोफेसर सीजे डॉस्टन ने, या प्रोफेसर एएस हॉर्नबाय ने, या प्रोफेसर जोस पर्सन ने। तो इसको किसने किया है, इसका डेवलप जो किया है वो है हमारे प्रोफेसर सीजे डॉस्टन। ये आपको ध्यान देना होगा कि हु डेवलप्ड द बिलिंगुअल मेथड, इसका बी नंबर हो रहा है, प्रोफेसर सीजे डॉस्टन। ठीक, अब आपके ये 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप पॉज करके इनको अपने माइंड में लिखना हो तो लिख लीजिए, या बुक की कहीं भी लिख लीजिए। यदि आप ये सोचें कि किस बुक से लिया गया ये बुक बताई जाए, तो यह एक बुक से नहीं कई बुक्स का कलेक्शन है, उनसे क्वेश्चन ढूंढे गए हैं, निकाले गए हैं और आपके लिए इस चीज का तैयार किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए और आगे फिर से 15 क्वेश्चन हम पेडागॉजी के लेकर के आएंगे, तो उसका आप वेट करें और हम तुरंत लेके आएंगे आपके लिए और प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच।